सो वेलकम बैक गाइस आप सबका फिर से स्वागत है एक और नियमेजिंग वीडियो में और गाइस आज की वीडियो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में होने वाला घमासान युद्ध वन प्लस बुलेट जेड टू और Realme Wireless Buds 3 के बीच में तो गाइस आप ये वीडियो पूरा देखेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इन दोनों का फुल कंपैरिजन और गाइस आज के इस कंपैरिजन में हम छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखने वाले हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दू की मैं हूँ रविंदर और आप देख रहे हैं टेक ब्लास्ट चैनल को तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं सो तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो नीचे आपको रेड ग्रे ब्लैक कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा जल्दी से जाकर उसको दबो Отследи. और हाँ साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा जल्दी से जाकर उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और हाँ गाइस मैं आपको एक चीज बता तो भूल गया कि इस चैनल के ऊपर इन दोनों नेक बैंड की इंडिविजुअल अनबॉक्सिंग भी आ रखी है और अगर आपको वो वीडियो देखने ना, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और ऊपर आपको आई बटन में भी वो वीडियो शो हो रही होगी वहां पर जाके आप इन नेक बैंड की इंडिविजुअल अनबॉक्सिंग भी देख सकते हैं सो गाइस बैक टू द टॉपिक अगर मैं बात करूँ इन नेक बैंड की बिल्ड क्वालिटी की तो मैं

इन सब बटन के ऊपर हमें एलईडी इंडिकेटर भी देखने को मिलता है और अगर रियलमी वाले नेक बैंड की तो इसके अंदर भी हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन और, और वो प्ले पॉस वाला बटन तो देखने को मिलता ही है लेकिन एडिशनली हमें इसके अंदर एक और बटन देखने को मिलता है जिसकी मदद से हम बिना किसी ऐप के इस नेक बैंड के अंदर जो हमें ए एन सी देखने को मिलता है उसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं और उसके अलावा ट्रांसपेरेंट मोड और नॉर्मल मोड को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं है। इस है। तो तो है। और, है। और इसी के साइड में हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है इस नेक बैंड को चार्ज करने के लिए और इस नेक बैंड के भी दूसरी तरफ हमें रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है सो so ये तो बात हो गई इनके बिल्ड क्वालिटी और बॉडी वगैरह की लेकिन अगर मैं बात करी नेक बैंड्स के बर्ड्स की तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस टाइप के बर्ड देखने को मिलते हैं इन दोनों ही नेक पेंट्स में इन दोनों नेक पेंट के अंदर जो हमें बर्ड देखने को मिलते हैं ना वो देखने में तो ऑलमोस्ट एकदम सेम है लेकिन रियल के जो बर्ड्स है ना वो हल्के से बड़े हैं वाले से क्योंकि रियल के अंदर हमें थर्टीन पॉइंट सिक्स एम एम के बड़े ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं और वन प्लस के अंदर हमें ट्वेल्व पॉइंट फोर एम एम के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं इसीलिए रियल के बर्ड्स का जो साइज है ना वो हल्का सा बड़ा है और गाइस अगर मैं बात करू इन बर्ड्स के फिटिंग की ना तो इन दोनों

लेकिन गाइस वन प्लस के अंदर हमें ऐसे लो लेटेंसी मोड या फिर गेमिंग मोड करके कुछ देखने को नहीं मिलता जो कि वन प्लस को थोड़ा सा पीछे कर देता है और गाइस हमें रियलमी वाले नेक बैंड में डुअल डिवाइस कनेक्शन वाला फीचर भी देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप इस नेक बैंड को दो डिवाइसिस में कनेक्ट करके रख सकते हैं और काफी सीमलेसली स्विच भी कर सकते है उन दोनों डिवाइस में तो मुझे ये फीचर तो काफी बढ़िया लगा लेकिन गाइस हमें वन प्लस के अंदर ये वाला फीचर देखने को ही नहीं मिलता है रियलमी के अंदर हमें गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि गई वाकई में काफी फास्ट काम करता है आपको सिर्फ इन दो एयरबड्स को ऐसे डिसकनेक्ट करना है और ये जो नेक बैंड है ना वो बाद में ऑन हो जाएगा और आपके पास में जो भी एंड्रॉइड फोन होगा ना उसके ऊपर आपको इस नेक बैंड का पॉप अप भी शो हो जाएगा और सच में गए ये जो प्रोसीजर है ना वो काफी फास्ट है और काफी सीमलेसली कनेक्ट भी हो जाता है जो कि गैस मुझे पर्सनली काफी बढ़िया फीचर लगा लेकिन गई वन प्लस के अंदर भी हमें फास्ट पेयर का सपोर्ट देखने को मिलता है लेकिन सिर्फ वन प्लस फोन के साथ जो कि गैस अगर आपके पास वन प्लस का फोन है ना तब तो आपके लिए काफी यूजफुल है लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए ये फीचर किसी काम का नहीं है और गैस यही पे वन प्लस को एक और माइनस पॉइंट मिलता है क्योंकि वन प्लस के अंदर हमें ब्लूटूथ 5.0 का वर्जन देखने को मिलता है जो कि गाय काफी पुराना हो चुका है लेकिन रियलमी के अंदर हमें लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि गए मुझे काफी बढ़िया चीज लगी तो इस कनेक्टिविटी में रियलमी का जो ये नेक बैंड है ना वो तो विदाउट एनी डाउट क्लियरली विनर है और गए रियलमी के अंदर हमें थ्री स्पेशल सराउंड साउंड का भी इस फीचर देखने को मिलता है जो की गा वाकई में काफी बढ़िया फीचर है इस फीचर को ऑन करते ना आपको चारों तरफ से आवाज आने वाली है जो की गई वाकई में काफी अलग

तो Realme के अंदर हमें लगभग 40 आर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है लेकिन वन प्लस के अंदर हमें सिर्फ 30 आर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है और गैस उसके अलावा हमें इन दोनों नेकबैंड के अंदर फास्ट चार्ज का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और रियलमी को दस मिनट चार्ज करने पे ये हमें ट्वेंटी फाइव आवर्स का प्ले टाइम देगा लेकिन वन प्लस वाले नेक बैंड को दस मिनट चार्ज करने पे हमें सिर्फ ट्वेंटी आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा सो गाइस क्लियरली बैटरी डिपार्टमेंट में भी रियलमी वन प्लस को पीछे छोड़ चुका है सो so गाइस ये तो बात होगी इन नेक नेकबैंड के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन लेकिन अब बारी है सबसे मेन चीज की जो कि है साउंड टेस्ट तो गैस उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इन दोनों नेक बैंड का साउंड टेस्ट करने में ना मुझे एक से डेढ़ घंटा लग गया क्योंकि गैस इन दोनों नेक बैंड की साउंड क्वालिटी इतनी सेम है ना कि डिफेंस करने में बहुत दिक्कत आ रही थी लेकिन गैस इन द लास्ट हमने इन दोनों नेक बैंड के साउंड क्वालिटी में डिफरेंस तो निकाल ही लिया भले ही वो काफी माइनर डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस तो है ना सो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करू ट्रेवल की तो रियलमी के अंदर हमें काफी अच्छा ट्रेवल देखने को मिलता है बैकग्राउंड में जो भी म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट रहे होते हैं ना उनकी साउंड हमें काफी साफ साफ सुनाई देती है उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई लेकिन कैसे अगर मैं बात करू वन प्लस की ना तो इसके अंदर भी हमें ट्रेवल काफी अच्छा देखने को मिलता है लेकिन अगर मैं इन दोनों के कंपैरिजन की बात करू ना तो मुझे वन प्लस के अंदर एकदम हल्का सा कम ट्रेवल देखने को मिला जो कि एक एक मेजर डिफरेंस डिफरेंस तो तो नहीं है लेकिन एक है लेकिन माइनर और अगर मैं बात वोकल्स और मिट्स की तो हमें इन दोनों नेक पेंट्स के अंदर काफी क्लियर वोकल्स सुनने को मिलते हैं लेकिन अगर मैं एकदम हल्का सा डिफरेंस निकालू ना तो वन प्लस वाले मुझे हल्के से बेटर लगे वोकल्स और मिट्स के मामले में और गाइस अगर मैं बात करूँ बेस के तो गैस सच में वो तो इन दोनों हेडफोन्स में

मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और उसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें भी कंट्रोल कर सकते हैं जो की तो वो भी काफी है के बेस से। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा रिच बेस देखने को मिलता है जिसका मतलब की वन प्लस के बेस की जो क्वालिटी है ना वो एकदम हल्की सी बेटर है रियलमी के बेस से और गाइज इन द लास्ट अगर मैं कॉन्क्लूजन निकालू ना इन दोनों के साउंड क्वालिटी का तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों की साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है बहुत ही ज्यादा माइनर फर्क है इन दोनों की साउंड क्वालिटी में और जब तक आप इन दोनों की, तब भी मुझे में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला था लेकिन जितना ज्यादा मैंने इन को टेस्ट किया ना, मुझे एकदम हल्का सा डिफरेंस तो पता गया इन दोनों नेक बैंड के अंदर सो so गाइस इन नेक बैंड का जो कम्पेरिजन है ना वो यही पे खत्म हो जाता लेकिन अगर मैं बात इन नेक बैंड के प्राइसिंग की तो एमेजो

लेकिन क्योंकि मुझे इसके अंदर ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं तो मैं तो पर्सनली इसे चूज करता सो so आपको इन दोनों नेक नेकपेन में से कौन सा नेक नेकपेन ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो गाइड जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर, कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही अमेजिंग टेक से रिलेटेड अपलोड होती रहती है तो अब मैं मिलता हूँ आपको ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट टेक वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय